देखो तो हमने शीट नंबर 102 में, शीट नंबर 10 में सैटेलाइट प्लैनेटरी मोशन में हमने ये ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड टोटल एनर्जी तक कर लिया था। कैपलर्स थर्ड लॉ से करेंगे। मैंने बताया कि कैपलर्स थर्ड लॉ ये बताता है कि अगर आपके पास ये एक सन है और कोई भी प्लैनेट इसके आसपास घूम रहा है, ठीक, तो प्लैनेट एक चक्कर कंप्लीट करेगा। मान लो प्लैनेट एक राउंड कंप्लीट करता है इन अ टाइम पीरियड ऑफ टी, और वैसे तो रेडियस चेंज होता है प्लैनेट का इलिप्स में, पर हम एक एवरेज रेडियस लेके चलते हैं, मान लो आर रेडियस में प्लैनेट घूम रहा है। तो केपलर का थर्ड लॉ ये कहता है कि किसी भी प्लैनेट का जो टाइम पीरियड है एक चक्कर का स्क्वायर, दैट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू उसके रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। तो दैट इज टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये केपलर थर्ड लॉ बताता है। कैसे काम आता है केपलर थर्ड लॉ ये भी बता देता हूं। केपलर थर्ड लॉ ऐसे काम आता है, आपको गिवन होगा कि अर्थ घूम रही है और सन के आसपास घूम रही है, तो रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता होगा सन का, सन के साथ टाइम पीरियड अर्थ का वैसे ही पता है सबको, 365 डेज। वो कहेगा कोई एक्स प्लैनेट है जो सन के आसपास घूम रहा है, उस एक्स प्लैनेट का टाइम पीरियड हमें मान लो क्वेश्चन में गिवन है, हमने उसका रेडियस निकालना है। हम दो इक्वेशन बनाएंगे, टीई का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर ई का क्यूब, टी एक्स का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर एक्स का क्यूब। हम इन्हें डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने पे ये रेशियो आ जाएगी, हमें क्वेश्चन में ये गिवन है और एक्स कैन बी कैलकुलेट। मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम्स केपलर थर्ड लॉ सॉल्व करेगा। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है, जो केपलर थर्ड लॉ है उसका प्रूफ कैसे होगा, राइट? तो केपलर के थर्ड लॉ का प्रूफ करेंगे। ये शीट फॉर एनसीईआरटी है, ये प्रूफ फॉर एनसीईआरटी है, दोनों के दोनों जम करने जा रहे हैं, ये वाला और नेक्स्ट वाला, तो इंपॉर्टेंट है प्रूफ, तो आप इसे एक बार देखें। केपलर थर्ड लॉ प्रूफ करने के लिए इमेजिन करें कि ये सन जिसका मास बड़ा एम, प्लैनेट का मास छोटा एम, और रिवॉल्विंग इन अ रेडियस ऑफ स्मॉल आर। तो कौन, अगर हम ये बोलते हैं कि एक प्लैनेट घूम रहा है सर्कल में, तो उसको क्या चाहिए? सेंट्रिपिटल, एम वी स्क्वायर बाय छोटा आर। कौन प्रोवाइड करेगा सेंट्रिपिटल? ग्रेविटेशनल की 4gmm बाय स्मॉल आर स्क्वायर। इन इक्वेट करेंगे, इक्वेट करके वेलोसिटी वी कैन बी कैलकुलेटेड। ये प्लैनेट की वेलोसिटी आ गई। ये सैटेलाइट की तरह काम कर रही है क्योंकि प्लैनेट सन का सैटेलाइट है। इस वेलोसिटी को प्लैनेट की कौन सी वेलोसिटी बोलेंगे? ऑर्बिटल वेलोसिटी। देखा जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे। सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती थी? अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर। इसके अंदर भी अंडर रूट ऑफ जी, और उसका कैलकुलेट करने का तरीका भी तो यही था ऑर्बिटल का, ये तरीका था, इसमें भी यही है, क्योंकि सैटेलाइट ही तो है एक प्लैनेट सन का। सन का सैटेलाइट जो है, जो प्लैनेट होता है सन के सैटेलाइट की तरह काम करता है, तो एक ही बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, ये तो सही है ही है। तो वेलोसिटी आ गई प्लैनेट के घूमने की, तो एक चक्कर एक सैटेलाइट कितनी देर में पूरा करेगा उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड क्या होगा? डिस्टेंस, यानी कि 2πr अपॉन वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये हमने वेलोसिटी निकाल ली प्लैनेट की, इसको उल्टा किया, r जब अंडर रूट में जाएगा, r का स्क्वायर, r का स्क्वायर इनटू r क्या होता है? r का क्यूब। इसको स्क्वेयरिंग करेंगे तो t स्क्वायर 4π स्क्वायर, और ये टर्म आ गई हमारे पास। तो क्या हम बोल सकते हैं t स्क्वायर, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, तो t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r का क्यूब। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो ये आपके पास केपलर थर्ड लॉ का प्रूफ है जो आपने करना है। टाइम पीरियड और रेडियस की जब भी कोरिलेशन की बात होगी तो केपलर थर्ड लॉ काम आएगा, हो जाएगा प्रूफ। और लास्ट एक्सप्रेशन इसके अंदर, टू डराइव न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर लॉ। तो क्या डराइव करना है? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर लॉ। वैसे एक बात बताओ, जो अभी ऊपर हमने रिजल्ट किया वो क्या किया? हमने केपलर लॉ प्रूव किया। पहला स्टेप क्या यूज किया? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखा जाए तो उल्टा लिख दोगे तो बात तो एक ही है, इसका उल्टा रिजल्ट तो करने वाले हैं बेसिकली, क्योंकि अभी क्या किया था? न्यूटन के लॉ से केपलर लॉ, अब केपलर के लॉ से न्यूटन का लॉ, देखो कैसे। तो इसको करने के लिए, टू डराइव न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर लॉ के लिए, मान लो सन और अर्थ, वही सेम स्टेप है,
बस अब हम ये लिख नहीं सकते जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, यूज नहीं कर सकते क्योंकि यही चीज हमने प्रूव करनी है। तो प्लैनेट अगर सन के आसपास घूमता है तो हमें पता है उसको फोर्स चाहिए जिसका नाम है सेंट्रिपिटल, जिसकी वैल्यू क्या होती है, एम वी स्क्वायर बाय आर। राइट, हमें मालूम है कि ग्रेविटी की फोर्स प्रोवाइड करती है, पर हमने तो प्रूव करना है कि ग्रेविटी की फोर्स है, तो सेंट्रिपिटल आ गया। वेलोसिटी जिससे कि प्लैनेट सर्कल में घूमता है इज 2 पाई आर बाई टी, टी फॉर टाइम पीरियड। इस वेलोसिटी को यहां से यहां पुट करेंगे होल स्क्वायर आ जाएगा, तो यहां से एम बाई आर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ये टर्म आ गई। इसमें क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में, टी स्क्वायर। कैपलर का लॉ यूज कर लें, कैपलर का लॉ क्या बताता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। तो कैपलर के लॉ में टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यहां पर कॉन्स्टेंट के टी स्क्वायर की जगह पुट करते हैं के टाइम्स आर क्यूब, आर क्यूब और आर कैंसल तो आर स्क्वायर बच गया, तो आपके पास ये टर्म बच गई। अब ये जो फोर्स है बेसिकली ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है जो सेंट्रिपिटल प्रोवाइड करती है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, प्लैनेट के मास पे, प्लैनेट का मास आ गया, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट आर आ गया, सन के मास पे भी तो डिपेंड करेगी। तो हम ये ऐसे बोलते हैं ये जो कांस्टेंट है कितना, 4 पाई स्क्वायर बाई के, ये के मुझे पता नहीं पर इतना पता है कि जो टर्म है ये मास ऑफ सन पे डिपेंड करेगी, और साथ में कांस्टेंट आएगा कैपिटल जी। तो इस 4 पाई स्क्वायर बाई के की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं यहां पर, कैपिटल जी एम, और प्रूव हो गया जी एम एम बाई आर का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? मेडिकल में क्वेश्चन आया हुआ है क्या कि इस टाइप, ये डेरिवेशन के ऊपर नहीं, ऑब्जेक्टिव आज मैं दूंगा करने के लिए, तो उसमें 4 पाई स्क्वायर बाय के क्योंकि जीएम होता है तो वो के की वैल्यू पूछता है इसमें क्या होती है, तो आप क्या लिखेंगे, 4 पाई स्क्वायर बाय जीएम। और कभी कभी तो ये ऑप्शन पूछ लेता है 4 पाई स्क्वायर किसके इक्वल है, जीएम इन टाइम्स। मेडिकल वाले आज मैं शीट दूंगा, आपको पता लग जाएगा कि क्या क्वेश्चन है, पर आप देखो क्वेश्चन कहां से ढूंढ के ला रहे हैं, आपके एनसीईआरटी के टॉपिक में से ढूंढ के आ रहे हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, तो आपको शीट में मिलेगा, बट यहां तक एनसीईआरटी के टॉपिक तो एटलीस्ट खत्म हो जाता है, तो एनसीईआरटी का लेवल यहीं तक है, और आई होप बुरा नहीं है, ठीक है, इजी है, ग्रेविटेशन बाकी चैप्टर्स के मुकाबले ठीक है, इजी है। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे,